जब कोई प्यार से बुलाएगा हाय हाय तुमको एक शख्स याद आएगा। क्या बात। जब कोई प्यार से बुलाएगा तुमको एक शख्स याद आएगा। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जिंदगी के दर्द को सहोगे तुम, दिल का चैन ढूंढते रहोगे तुम। जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, जख्म दिल जब तुम्हें सताएगा, तुमको आमिर लियाकत याद आएगा। देखिए मैं बड़ा उसूल पसंद आदमी हूँ। अब मैंने बहुत बड़ी शख्सियत को शिकस्त दी थी, डॉक्टर फारूक सत्तार को। बिल्कुल। और 25,000 वोटों से हराया था। देखिए ना, अब खान साहब हमारे बहुत ही जबरदस्त आदमी है, उनको मुंतखब लोगों से ज्यादा गैर मुंतखब लोग पसंद है, तो अब उनके साथ रहते हैं, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। ये भी एक बड़ा एक अलमिया है जो कि बहुत से और उन्हें चुन चुन कर गैर मुंतखब लोग ऐसे लाए कि जो मतलब ये मुंतखब भी होना चाहिए तो नहीं हो सकते, बेचारे मासूम लोग। ये तब्दीली कब आएगी? ये तब्दीली सर नहीं आएगी, तब्दीली वैसे नहीं आई तो तब्दीली कैसे आएगी। कपल ऑफ टाइम्स जब आपको इस चीज ने कभी कुछ एक कंट्रोवर्सी में भी उंडेल दिया है। सर कंट्रोवर्सी बड़ी जबरदस्त चीज होती है। देखिए एक तो हमारे यहाँ ये समझ में नहीं आता लोग कंट्रोवर्सी को बुरा क्यों समझते हैं। कंट्रोवर्सी होती उसकी है कि जिसके बारे में कोई बात की जाए। ऐरा गैरा नथु खैरा की तो कंट्रोवर्सी नहीं होती। कंट्रोवर्सी आपको बनाती है, आपकी तामीर करती है, आपको बुलंद मकाम पर लेकर जाती है। कंट्रोवर्सी बुरी चीज नहीं होती। हाँ, अगर आपकी कंट्रोवर्सी ऐसी है कि आप डॉलर लेकर भाग गए मुल्क से, या आपने पाकिस्तान को लूट लिया, या आप दवाई लेने गए थे तो वापस नहीं आए, तो ये कंट्रोवर्सी। सर ये एक्टिंग का क्या बीच में एकदम हुआ? सर ये दिल चाह रहा था कर ली। अच्छा। हाँ। और क्या है सर ये आपने किया? सर ये बहुत जबरदस्त है, ये एक टेलीफिल्म में बस करो ना, उसमें कवि साहब। बस करो ना। बस करो ना। अच्छा। तो बाप है कवि खान, बेटा मैं हूँ। आप और कवि साहब जी, कवि साहब। ये कैसा रहा वैसे एक्सपीरियंस एक्टिंग का? देखिए कवि साहब के साथ काम करना सबसे बड़ी बात, मुझे तो बहुत मजा आया, इसलिए मैं तो शुरू से एक्टिंग कर रहा हूँ। ये बताए मोटरवे के ऊपर आ रहे हैं। हाँ। स्पोर्ट्स कार चला रहे हैं आप मोटरवे पर? हाँ। स्पोर्ट्स कार मियां साहब की बनाई हुई मोटरवे के ऊपर पीटीआई का एमएनए स्पोर्ट्स कार बड़ी चला रहे हैं। इस बारे तसव्वुरात में आप बड़ी अच्छी बात है। देख रहे हैं कि कुछ लोग लिफ्ट मांग रहे हैं मोटरवे पर। बिल्कुल। और एक सीट है सिर्फ स्पोर्ट्स कार में होती है फ्रंट पे। हाँ। किसको लिफ्ट देना चाहेंगे? कौन लोग हैं लिफ्ट मांगने वाले? सर ऑप्शंस आपके पास जो है वो है उस्मान बुज़दार। जी सर बिल्कुल नहीं दूंगा लिफ्ट, आगे भाई। वो है मुराद अली शाह। हाँ मुराद अली बिल्कुल नहीं दूंगा। सर वो है जाम कमाल साहब। जाम कमाल साहब सर आगे भी सुन लेना। आगे भी है और बहुत सर सीट है और लोग इतने सारे। सर लोग सारे आगे हैं महमूद खान। महमूद खान साहब नहीं नहीं केवल पख्तून। और आगे आपके खड़ी हुई है माहिरा खान। आज तो फिर सबको छोड़ के माहिरा खान को बिठाएंगे नहीं? जहांगीर तरीन साहब बहुत बेहतरीन आदमी। अच्छा। आज जिनको लोग नहीं समझ पाए बेहतरीन इंसान। अच्छा। बेहतरीन इंसान है, उनकी वजह से पीटीआई सब बनी और सब और लोग उनको भूल गए। जहांगीर तरीन साहब को दे दिया आपने लाइफ जैकेट, शाह महमूद कुरैशी साहब रह गए। बिल्कुल नहीं दूंगा उनको, वैसे भी नहीं। ये बताएं टाइटैनिक पर जाना चाहेंगे आप? बिल्कुल जाना चाहेंगे अगर केट विंसलेट भी साथ हो। सर हम अपने बजट के मुताबिक आपने भेज ठीक एडजस्ट करेंगे। आप जा रहे हैं और वीआईपी पास है एक अपना है। हाँ। दूसरा किसी को साथ लेके जाना है ठीक। तो किसको टाइटैनिक पर अपने साथ लेके जाना चाहेंगे डॉक्टर आमिर लियाकत साहब? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं मोहतरमा तूबा आमिर और इकरा। तूबा को लेके जाएंगे। अच्छा ठीक है। सर उन्होंने घर भी जाना ना? नहीं असल में दोनों के डूब जाते हैं। तूबा जिंदा बच जाइए, आखिर में यही हुआ था। हाँ। जो साथ लेकर गया था। हाँ। वो तो चला गया था सर्दी में ठटर ठटर ठटर। बिल्कुल। तो वो भी हम भी ठटर जाएंगे। तो वो आप जो है वो तूबा बच। सर लड़की बच जाती है ना, वो लड़की है ना, उसी को तो बचा लिया। नहीं मगर आप ये भी कर सकते हैं कि उनको मैंने इसलिए छोड़ दिया कि वो जाए ना इस खतरनाक। नहीं सर वो किसी और तरीके से चली जाती है।